हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर कहे जाने वाले इरफान पठान अब एक नए अवतार में आपको नजर आने वाले हैं। जी हां, क्रिकेट के पिच पर तो उन्होंने खूब दुनिया को अपना दीवाना बनाया, हालांकि वो अब संन्यास ले चुके हैं और शायद यही वजह है कि अब उन्होंने एक नई पारी की शुरुआत करने का फैसला किया है। एक्टिंग की दुनिया में इरफान पठान कदम रखने जा रहे हैं, हालांकि किसी हिंदी फिल्म से नहीं बल्कि तमिल फिल्म से इरफान पठान अपनी एक्टिंग का जलवा सभी को दिखाएंगे। अच्छा, उनकी फिल्म का नाम कोबरा होगा और इसमें तमिल सुपरस्टार चियान विक्रम भी होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि चियान विक्रम लीड रोल में हो सकते हैं और इरफान पठान का बहुत छोटा सा किरदार होगा, लेकिन यकीन मानिए उसको देखने के लिए भी फैंस में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। कहा यह जा रहा है कि इरफान पठान का नाम इस फिल्म में असलान रियमाज होगा। ये एक ऐसा किरदार होगा जो फ्रेंच इंटरपोल अधिकारी की भूमिका निभाएगा। तो इस तरह से एक्टिंग करते हुए इरफान पठान को देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। हालांकि वो जिस तरीके से क्रिकेट के मैदान पर छक्के छुड़ाते आए हैं दुश्मन टीम के और जिस तरह से लोगों को इम्प्रेस करते आए हैं, क्या यही जादू उनका सिल्वर स्क्रीन पर भी चलेगा या नहीं, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। ये भी बताया जा रहा है कि चियान विक्रम जो कि इस फिल्म में लीड किरदार निभाने वाले हैं वो शायद एक भारतीय जासूस की भूमिका में नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इरफान का शायद एक छोटा सा रोल हो, लेकिन ये रोल बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है और फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। वैसे इरफान पठान अकेले ऐसे क्रिकेटर नहीं है जो फिल्मी दुनिया में कदम रखने जा रहे हो संन्यास लेने के बाद, बल्कि उनसे पहले कपिल देव है, विनोद कांबली है, ये कुछ ऐसे क्रिकेटर्स रहे हैं जो पहले ही अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुके हैं। तो इरफान पठान का एक्टिंग डेब्यू देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।